नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक लर्निंग जीके ट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम हरियाणा के मंडल। कितने मंडलों में हरियाणा राज्य को विभाजित किया गया है ये इस वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा के एग्जाम भी आ रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको इस टाइप का रेड कलर का आइकन मिलेगा, उसके जाइए क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हरियाणा के मंडल। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं। 6 मंडलों में हरियाणा राज्य को विभाजित किया गया है जो कि हैं हिसार, अंबाला, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल। ये 6 मंडल हैं जो जिसमें पूरे हरियाणा राज्य को विभाजित किया गया है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जो कि बहुत ईजी है, इसे ईजिली आप याद कर सकते हैं। देखिए, हार गर्लफ्रेंड के, ठीक है, हार हार से आप एच से जोड़ेंगे हिसार को, ए से जोड़ेंगे अंबाला को, आर से जोड़ेंगे रोहतक को, जी से जोड़ेंगे गुड़गांव, एफ से फरीदाबाद और के से करनाल। ठीक है, आप इसको याद करने की मतलब ये मैंने जी एफ लिखा है, जी एफ को आप सिर्फ याद करने के लिए इसको गर्लफ्रेंड पढ़ेंगे, वैसे ये जी एफ है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मतलब। और मंडल, मंडल मतलब मंडप में, मंडप में हमने हार गर्लफ्रेंड को पहनाया, से आप याद रख सकते हैं। मंडल जो है वो मंडप से रिलेटेड है, तो याद करने में भी ईजी रहेगा कि ये जो ट्रिक है वो मंडल की, हरियाणा राज्य के जो मंडल है उनकी ट्रिक है ये। ठीक है, तो इसे आप इजीली याद कर सकेंगे कौन कौन से 6 मंडल हैं जो कि हरियाणा राज्य में आते हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो गुड़गांव, गुड़गांव में 3 जो हैं जिले आते हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये तीनों जिले जो हैं वो गुड़गांव मंडल में आते हैं। उसके बाद आता है हिसार, हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जिन जो इनके आसपास से लगते हैं वो सब इस हिसार में इंक्लूड है। उसके बाद आता है अम्बाला, अम्बाला में पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये जो चारों जिले हैं वो अंबाला मंडल के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रोहतक, रोहतक में सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक और रोहतक पे है। तो 5 जिले जो हैं वो रोहतक मंडल में आते हैं, सबसे बड़ा इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी है करनाल, करनाल में पानीपत, करनाल और कैथल, 3 जिले इसके अंडर आते हैं, और फरीदाबाद में भी 3 आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूह। ठीक है, तो देखिए सबसे कोई मुश्किल नहीं इसमें याद करने में, करनाल फरीदाबाद में 3-3 आते हैं, गुड़गांव में भी 3 आते हैं, हिसार में 4 आते हैं, अंबाला के अंदर भी 4 जिले आते हैं, लेकिन रोहतक में 5 जिले आते हैं। ठीक है, तो 3 में 3, 3, 2 में 4 और 1 में 5। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं। अब मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिएगा ये गुड़गांव है, गुड़गांव में रेवाड़ी मैंने अभी आपको बताया है, गुड़गांव में आएगा रेवाड़ी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। ठीक है, ये तीनों इसके गुड़गांव मंडल के अंदर आएंगे। उसके बाद करनाल देखिएगा आप, करनाल में क्या है, करनाल में कैथल, करनाल, पानीपत जो ये तीनों इसके अंडर आते हैं करनाल में। फरीदाबाद में अगर नीचे हम फरीदाबाद की बात करें तो पलवल, नूहू, ये तीनों फरीदाबाद में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हिसार में आप देखिएगा, हिसार में के जो अंडर मैंने अभी आपको बताया है, हिसार में आते हैं फतेहाबाद, जींद और सिरसा। ठीक है, ये 4 इसके अंडर आते हैं, इधर ये आप इस साइड से देख सकते हैं ये चारों। उसके बाद आते हैं रोहतक, रोहतक में आते हैं भिवानी, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, पानीपत और ये चरखी जादरी, झज्जर, ये जो इस साइड के जो बीच का पोर्शन है ये सब रोहतक जो जिला है उसके अंडर आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पंचकुला, एक मिनट, पंचकुला है, अंबाला है, यमुनानगर है, ठीक है, ये जो हैं कुरुक्षेत्र है, ये जो हमारे हैं वो अंबाला के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इससे आप मैप से भी इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, अंबाला के अंडर आते हैं ये सारे। ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, इस शॉर्ट ट्रिक की जो मैंने आपको बताई है इससे आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।